तो है ये है गाइस मेरा NS200 BS4 मॉडल 2018। तो मैंने प्रॉब्लम फेस की है आपको, मैं पहला प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। पता नहीं दूसरे लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, मुझे पता नहीं। तो ज़रूर ये मेरा पहला वीडियो है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हो मेरे को, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बोल रहा हूँ, लगभग मेरी 5 प्रॉब्लम्स है जो मैंने इसमें ज़्यादा फेस की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसका डूम। इसका डूम में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आने लगता है, मतलब टाइम टाइम में, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रोड्स पे गड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इसकी मतलब ये वाइब्रेशन ज़्यादा करने लग जाता है। इसीलिए सामने ये वाला थोड़ा मतलब स्पंज डाला गया है इनकी वाइब्रेशन को कम करने के लिए। तो और इसका दूसरा प्रॉब्लम है जो फोर्क है। मुझे ही सिर्फ पता नहीं, मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम आया था कि मतलब इसका फोर्क में इसके जो अंदर बेयरिंग्स होते हैं और बॉल्स होते हैं बहुत जल्द ख़राब हो रहे हैं, मतलब कट हो रहे हैं। क्योंकि गड्ढे में आप कभी कभार एग्जांपल आप हम बहुत स्पीड में उड़ा देते हो तो बाइक सही से एक्शन मतलब शॉक नहीं ले पाती है, इस कारण मतलब फोर्क पे डायरेक्ट मार पड़ता है। तो इसीलिए इसका फोर्क में चला गया है मेरा, तो इसको ठीक करवाना है। तो और इसका तीसरा प्रॉब्लम है इसका पाइंट, ठीक है। इसका पाइंट मेरे को बहुत जल्द डल लगता है क्योंकि ये धूप में बहुत जल्द शेड होने लगता है, जो वाइट दिख रहा है आपको। तो अभी इतना वाइट कैमरे में दिख रहा है, मतलब आप रियल लाइफ में देखोगे तो इतना वाइट नहीं दिखेगा, शाइनिंग नहीं दिखेगा। तो पॉइंट का मेरे को थोड़ा बजाज कंपनी में और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, मतलब इम्प्रूवमेंट किया नहीं, ठीक है। मतलब अभी आने वाली बाइक्स में शायद इम्प्रूवमेंट करेगा कलर का वगैरह पॉइंट का। तो इसमें चौथा प्रॉब्लम है इसका जो है इसका मैग्नेटिक केस कवर। जो मैग्नेटिक केस कवर है, ये जो कवर बैठा हुआ है इसके ऊपर जो, और इसके अंदर एक सीलिंग होती है, रबर सीलिंग, यहाँ से ऑयल लीकेज करने लगता है। तो मेरा यहाँ से फिर से ऑयल लीकेज करने लग गया है। तो पता है क्यों आपको ये प्रॉब्लम आता है आपकी बाइक में? तो आप ज़्यादा बाइक को ज़्यादा रेव करते हो, हाई स्पीड्स पे चलाते हो, मतलब किसी को दे देते हो, डाउन शिफ्टिंग करते हो बहुत ज़्यादा। अगर आपकी बाइक में ऑयल ज़्यादा है, समझिए आप, मतलब कभी कभार मैकेनिक लोग क्या करते हैं कि ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं। तो मतलब जैसे 1 लीटर 200 ml डालना चाहिए इस इंजन के लिए, तो कभी कभार थोड़ा भी अगर ऑयल ज़्यादा हो गया तो आप ज़्यादा बाइक को रेव करोगे, तो बाइक रेव करोगे तो यहाँ से मतलब गैस्किट का ऑयल जो सर्कुलेशन होता है खेल नहीं पाता, इसीलिए उसको बाहर थूक देती है इंजन। तो ये अगर ये सीलिंग चली जाती है तो आपको 500 से 1.5 हज़ार तक खर्चा आता है इसमें, अगर रेडी करवाना है। तो मैंने एक रेडी करवाया था पिछली बार, तो रेडी करवाने के बाद फिर से ये प्रॉब्लम आने लगा क्योंकि मैंने हाईवे पे बहुत ज़्यादा रेव किया था बाइक को। और इसमें और एक प्रॉब्लम है, इसका जो बैक एंड टायर कंपनी से देता है ये बहुत जल्द मतलब सॉफ्ट होने लगता है, क्योंकि ब्रेकिंग पे, हैवी ब्रेकिंग पे ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब और भी अच्छा टायर दे सकता है NS200 के लिए। और जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, और इसका जो मतलब यहाँ पे जो रेडिएटर का गैपिंग है वो भी मतलब टाइम टाइम पे अगर यह बाइक कभी गिरती है तो ये ओरिजिनल फिटिंग पे बैठ नहीं पाता है। तो इसी ये एक मुझे पसंद नहीं आया, मतलब इसको फिर से बिठाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है कैपिंग के लिए। तो और इसका आज मैंने क्या बोल तो गाइस ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ी बहुत गलती होगी बोलने में, अगली वीडियो में रिकवर कर लूँगा, दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो और इसमें जो इसके एडवांटेजेस हैं मैं बताता हूँ आपको। ये बाइक 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन है, इसमें जो लगा हुआ है ट्विन डिस्क क्लच है इस बाइक में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। इसका डाउन शिफ्टिंग भी बहुत मस्त है, मुझे को इसका डाउन शिफ्टिंग बहुत मज़ा आता है। जब सिटी में होते हैं तो आप बाइक बहुत ज़्यादा रेव कर सकते हो डाउन शिफ्ट में, इतना मतलब RPM राइज नहीं होता है, फिर भी बहुत मज़ा आता है आपको डाउन शिफ्टिंग में। और अप शिफ्टिंग में परफॉर्मेंस बहुत मस्त है बाइक का, और आप वर्थ प्राइस है NS200 को दे सकते हैं। आजकल की जनरेशन के लिए ये बाइक बहुत मस्त है क्योंकि बहुत चीप एंड रेस्ट में 200 cc बजाज दे रहा है, आप खरीद सकते हो। KTM खरीदना चाहते हो तो उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा और मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा, इसका मेंटेनेंस बहुत कम आता है। और इसका जो मेंटेनेंस है मेरे को सिर्फ डेढ़ महीने में मैं एक बार इसको सर्विस कराने के लिए छोड़ता हूँ तो 500 से 600 रुपया खर्चा आता है सिर्फ इंजन ऑयल का और ऑयल फिल्टर का, ठीक है। और इसमें जो मेंटेनेंस है, आपको चैन मेंटेन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हर 500 किलोमीटर पे आपकी बाइक की चैन जो है मतलब सूखने लगती है, ठीक है। तो आप इसको चैन स्प्रे कर सकते हो, तो मैंने आज किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो मेरी बाइक का चैन बहुत क्लीन हो चुका है डीजल से। तो डीजल से क्लीन करिएगा, वेस्ट लेके मैकेनिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें, आप खुद से ही कर सकते हो चैन क्लीन। और थोड़ा वेस्ट लीजिएगा, चैन पे पकड़ लीजिएगा इंजन ऑन रख के,
तो चैन क्लीन हो जाएगी डीजल से। और उसके बाद पूछ अच्छे से क्लीन कर देना चैन को, उसके बाद 2 मिनट या 3 मिनट के बाद आप चैन स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद अपना बाइक का चैन अच्छा हो जाएगा और लाइफ बहुत देगा आपका बाइक का, मतलब 3,000 या 4,000 पे इसका चैन ख़राब नहीं होगा आपको। जैसे लाइफ आएगा 5,000-10,000 किलोमीटर तक इसका चैन आ जाएगा आपको अच्छे से, मेरे हिसाब से। तो गाइस यही था वीडियो, तो अगले वीडियो में मैं रिकवर करूँगा जो भी इसके एडवांटेज थे, जो रेडी करवाने के लिए जाऊँगा, चेंजेस जो करेंगे बाइक पे, तो मैं आपको अगली वीडियो पे बताऊँगा। होप यू गाइस ये वीडियो लाइक करेंगे, तो मेरे चैनल को सुल्तान मोटो व्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।